शंकर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं ऊपर वाले कमरे में बंद कर देती हूं। ऊपर वाले कमरे में तो राक्षस है। हां मुझे खा जाएगा। मैं मेरी जिंदगी खा रही। चलो नहीं नहीं कमरे में नहीं जाओ। क्या कर रहे हो तुम? वहीं रुको, आगे मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। देखो छुरी मुझे दे दो, छुरी मुझे दे दो। नहीं तो 6 महीने बाद तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वक्त मिला। सॉरी बच्चा, क्या करता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन अब मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। प्लीज ऐसा मत करो। क्यों? एक तो मुझसे गाड़ी चलाई नहीं जा रही। ओके यू ड्राइव। क्यों? ताकि मैं तुम्हें कस के पकड़ सकूं। पागल हो गई हो? फुल टू। फुल टू? ये बम्बैया भाषा है, धीरे धीरे सीख जाओगे। वैसे तुम्हारे आने की एक्साइटमेंट में मैंने कोची कर डाली। कोची? कोची यानी गड़बड़। ये बम्बैया भाषा है, धीरे धीरे सीख जाओगे। वैसे कोची ये है कि मैं खाना बनाना भूल गई। क्या तुमने खाना बनाना सीख लिया? इसी बात का तो मुझे डर था। डमी मीन विक्रम, अब ये बताओ कि क्यों है लंच और फिर घर जाकर फ्रेश होना है। सबसे पहले तो तुम मुझे कोलाबा की क्राइम ब्रांच हेड ऑफिस ले चलो। क्या हुआ? तुम मुंबई काम के सिलसिले में आए हो? तुमसे मिलने आए हो बाबा? अगर रास्ते में जाते जाते कोई काम कर लूंगा तो कोई नुकसान है क्या? सच बोल रहे हो? आई शपथ। क्या ये बम्बैया भाषा है, धीरे धीरे सीख जाओगे। हाँ तो विक्रम साहब, आप मुंबई में कैसे हैं? सर प्लीज, सिर्फ विक्रम। ओके विक्रम। सर द मेथोडिक आपकी मुंबई में दाखिल हो चुका है। कार्यशुद्ध कसाई, ये क्या कह रहे हैं विक्रम साहब? आपको यकीन है? ये मेरा हंच है, हो सकता है गलत हो। मैं आई सिट डाउन सर? ओ आई एम सॉरी, प्लीज। थैंक यू। पिछले 5 सालों से मैं इस सीरियल किलर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। ये रहा उसके 5 सालों का कारनामा। किलर शायद आंध्र प्रदेश का है, क्योंकि 5 साल पहले इसने अपने करियर की शुरुआत विशाखापट्टनम से की। साल भर में इसने 5 जवान लड़कियों को मार दिया। अगले साल यही सिलसिला हमें लखनऊ में शुरू होने की खबर मिली। स्पेशल असाइनमेंट पर मुझे वहां भेजा गया, पर लखनऊ में भी 5 मर्डर करने के बाद इस आदमी ने अपना बेस भोपाल शिफ्ट किया। फिर 1 साल और 5 मर्डर करने के बाद यह आदमी जयपुर चला गया। मैं भी इसके पीछे पीछे जयपुर गया, पर राजस्थान पुलिस के साथ 11 महीने दिन रात एक करने के बाद अगर कुछ हाथ लगा तो 5 और जवान लड़कियों की लाशें। और अब तुम समझते हो कि वो मुंबई आया है? मैं आया सर। श्योर, थैंक यू। ये बात तो सभी जानते हैं कि खून करने के बाद ये आदमी विक्टिम के माथे पर एम का निशान छोड़ जाता है, जैसे ये इसका सिग्नेचर हो।
अगर विशाखापट्टनम से लेकर हम जयपुर तक का इसका सफर मैप पर फॉलो करें तो हमें क्या मिलता है? एक अधूरा एम, द मेथोडिक का अधूरा सिग्नेचर। और अगर यह सिग्नेचर हमें पूरा करना हो तो खासी लंबी तहकीकात के बाद और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के साथ हजारों घंटे के मशवरे के बाद मुझे यकीन हो गया है कि मैं इसका मोडस ऑपरेंडी जान गया हूं। मुझे तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट मिल सकती है? ऑफ कोर्स सर, लेकिन उससे पहले मेरा एक सुझाव है। शूट। जहां जहां से लड़कियों को अगवा किया गया और जहां जहां उनकी लाशें पाई गई वहां वहां पर हमें एक मीडियम हैवी व्हीकल के टायर के निशान मिले। इससे साफ जाहिर है कि ये आदमी या तो किसी टेम्पो या किसी मिनी बस का इस्तेमाल करता है। अगर हम इस तरह के व्हीकल्स की इन्वेस्टिगेशन जारी करें तो शायद हमारे हाथ कुछ लगे। विक्रम साहब, क्या आपने सोचा है इस मुंबई शहर में कितनी सारी मीडियम हैवी व्हीकल्स होगी? आई एम अफ्रेड इंस्पेक्टर, दिस इज द ओनली क्लू वी हैव। सीधरन, जितने भी ऑफिसर ड्यूटी पे हैं उन्हें असेंबल करो। विक्रम हमें इस किलर के बारे में ब्रीफ करेंगे। We must find this medium heavy vehicle. यह आदमी चाकू से गला काट कर हत्या करता है, इसके बावजूद वो लाश पर खून का एक भी कतरा नहीं छोड़ जाता, बल्कि वो लाश को अच्छी तरह से नहलाकर धुलाकर उसको इस्त्री के साफ कपड़े पहनाकर जमीन पर अच्छी तरह से लिटाकर चला जाता है। उसकी इन्हीं आदतों की वजह से हम उसे द मेथोडिक या कार्यशुद्ध कसाई के नाम से जानते हैं। उसकी इन्हीं आदतों की वजह से हमें यह पता चलता है कि वो एक साइकोपैथिक पर्सनैलिटी है। साहेब, डीसीपी साहबा ने आपल्याला बोलवलं आहे। एक्सक्यूज मी जनाब। विक्रम, कल शाम से गवर्नर साहब की बेटी लापता है। उसके कॉलेज के पार्किंग लॉट में हमें कुछ टायर के मार्क्स मिले हैं, उनमें से एक मीडियम हैवी व्हीकल के हैं। यह है उसके प्रिंट्स। थियरी आखिर सच साबित हुई। द मेथोडिक मुंबई में आ चुका है। ये मुझे कहां ले जा रही हो बच्चा? दुष्ट चुड़ैल हैंसम राजकुमार को भगा ले गई और उसे अपने वीरान किले में कैद कर रखा। तुम्हें इस सुनसान जगह के अलावा और कोई जगह नहीं मिली रहने के लिए? विक्रम जी, ये मुंबई है, यहाँ यूं ही जगह नहीं मिला करती। वो तो मेरा नसीब अच्छा है कि मुझे इतनी बड़ी जगह मिली and that too fully furnished। और तुम हो कि देखो मिनी, मैं उस सीरियल किलर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी सुनसान जगह में अकेली रहो। मैं अकेली कहाँ हूँ? वो देखो मेरा पड़ोसी डेरिक। रुक रुक रुक। हे डेरिक, डेरिक हाय। हेलो। तुम क्यों झाड़ू लगा रहे हो? अरे क्या करें मिनी जी, अब तक सोसाइटी नहीं बनी है ना, इसलिए यहाँ कोई साफ सफाई नहीं करता है। अब किसी ना किसी को तो ये काम करना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैं करता हूँ। हाउ स्वीट, जब मुझे वक्त मिलेगा ना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। प्रॉमिस। बाय द वे, मीट माय फियांसे विक्रम। हेलो। हेलो। यू नो विक्रम, डेरिक इज सच अ नाइस गाय,
एक दिन जब मेरी गाड़ी खराब हुई ना तो उसने अपना सारा काम छोड़कर दीदी और मुझे मार्केट तक छोड़ दी थी। एनीवे चलते हैं। बाय, सी यू। बाय। तो ये बनेगा तुम्हारा रखवाला? डोंट बी मीन विक्रम, यहाँ यहाँ यहाँ। और वैसे भी मुझे डरने की क्या जरूरत है जब तुम मेरे साथ हो, एसीपी विक्रम, हर गुनेगार की रातों की नींद उड़ाने वाला जाबाज सिपाही। यस। ये मजाक की बात नहीं है मिनी, वी टॉकिंग अबाउट अ वेरी डेंजरस मैन हियर। तुम बस कोई और जगह ढूंढो रहने की। क्या दूसरी जगह कहाँ से ढूंढूंगी अब? तुम भी क्यों, तुम्हारी दीदी, उनका तो घर काफी बड़ा है। नहीं दीदी, दीदी किसी सीरियल किलर से भी खतरनाक है, जानते हो? जरा कोई चीज इधर से उधर नहीं हुई तो बस सारा घर सर पे उठा लेती हैं। इतनी भी सफाई किस काम की भाई, घर कैसा होना चाहिए? हाँ, ताला। मुंबई आके तुम्हारा टेस्ट तो बिल्कुल ही बदल गया। ये फर्नीचर तो तुम्हारे कैरेक्टर से बिल्कुल मैच नहीं करता। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे ये फ्लैट प्री फर्निश्ड मिला। कैसा है? अच्छा है, मैसी है, बिल्कुल तुम्हारे स्टाइल में। Come on, I'll show you some more mess. Kitchen. Kitchen. अरे बाप रे, oh my God. All right, पर चाय बनाने के लिए इतने सामान की जरूरत? Very funny. मैं तो भूल ही गया था, तुमने तो खाना बनाना सीख लिया ना? जिस दिन तुम मेरे हाथ का बना खाना चखोगे ना तो पता चल जाएगा, तब तक उड़ाओ मुझ बेचारी का मजाक। Come. Yes. And this is the bedroom. You know, Mini, अच्छा ही हुआ कि तुम अपनी दीदी के साथ नहीं रहती। Oh yeah. इस रूम को तो ठीक से देखना पड़ेगा। सर। आओ मलिक, कहां तक पहुंचे हम? सर, ऑलमोस्ट आधी फोर्स तहकीकात में लगी पड़ी है। अब तक हम 5,000 मिनी बसेस और टेम्पोस को चेक कर चुके हैं, मगर अब तक टायर्स के मार्क्स नहीं मिले। सर, शायद उसने टायर्स बदल दिए होंगे। वो सीधरन कह रहा था कि कई विटनेसेस हैं जिन्होंने सपोजिटली इस किलर को देखा है। विटनेसेस? सर, लेकिन उनके डिस्क्रिप्शंस मैच नहीं होते। कोई कहता है कि ये साउथ इंडियन है, कोई कहता है कि ये जाट है। हो ना हो, इन डिस्क्रिप्शंस में सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो ऊंचा है और हट्टा कट्टा है। नहीं चलता है कि वेट करना चाहिए। मिनी जी, जोशी सुबह से बार बार फोन कर रहा है, वो कुछ गड़बड़ है। हेलो, मकान के बारे में। अरे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको डिस्टर्ब कैसे करता? ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए ना, अभी चलते हैं। अभी चलिए, ये मैं एक मिनट। वो जोशी हमारा एस्टेट एजेंट है, अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बात बताओ डेरिक, तुम हमेशा कुछ ना कुछ रिपेयर क्यों करते रहते हो? नहीं, वो मिनी जी, कुछ टूटा फूटा हो, ना दुरुस्त पड़ा हो, गंदा हो तो अच्छा लगता है क्या? अब आजकल बेकार भी बैठा हूँ तो टाइम पास हो जाता है। तुम कुछ काम नहीं करते? करता था मिल में, पिछले ही साल लॉकआउट हो गया ना। तुम कहो तो मैं तुम्हें मेंटेनेंस का एक बहुत अच्छा काम दिला सकता हूँ। हाँ, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शट अप विक्रम, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत देना। नहीं, वो अब आपने टॉपिक निकाला ही है तो एक रिक्वेस्ट है। मिनी जी, आपकी खिड़की के वेनिशियन ब्लाइंड्स एक साइड से टूटे पड़े हैं, कितना खराब लगता है। आपको एतराज ना हो तो मैं कल परसों आकर ठीक कर दूं, 2 मिनट का काम है, कितना खराब लग रहा है तो। हाँ, क्यों नहीं, एनी टाइम।
देखिए देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अरे भाई मैं मानता हूँ, मगर मैं नहीं मानती। पहले एक महीना हुआ है हमें यहाँ आकर, हम कोई बिच्छू हैं जो अपनी गृहस्थी कंधों पे लेकर घूमे? मानता हूँ। अरे क्या मानता हूँ मानता हूँ। अरे कैसे हो सकता है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ऐसा घर वापस मिलना। अरे इम्पॉसिबल। अरे मैं मानता हूँ भाई। सॉरी, 11 महीने होने तक हम ये मकान छोड़ने वाले हैं नहीं। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं भाई, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे भी पूछा नहीं गया था, बताया गया था। कभी फोन पर धमकी मिली है आपको? अगर मैं जानता है इस प्रॉपर्टी में गड़बड़ है तो इसमें कभी हाथ नहीं डालता। साला फोकट का टेंशन। एक महीने के अंदर दोनों मकान खाली हो जाने चाहिए, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। मुझे भी धंधा करना है ऐसा, वरना मैं आपको खाली फोकट तकलीफ क्यों देता? और फिर कह तो दिया कि दूसरे मकान का इंतजाम कर दूंगा, चाहे तो इस महीने का किराया भी मत दे। बात किराए की नहीं है, पिछले महीने मैंने लंबी छुट्टी ली थी घर बसाने के लिए। अब ये नई नौकरी है, फिर से छुट्टी मांगूंगी तो मेरा बॉस क्या सोचेगा? लेकिन इस शहर में तो कुछ भी हो सकता है, गुंडे धमकी दें और हम धूम दबा के भाग जाएं। वैसे फायदा क्या हुआ पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड होने का? हाँ, अब बच्चा सारा सामान समेटो और दिल्ली चलो और मुझसे शादी कर डालो। दिल्ली मत चलो, नहीं चलना तो, पर मुझसे शादी तो करोगी ना? रिवाइन रिवाइन, क्या कहा तुमने? मुझसे शादी करोगी? ये! Does that mean हाँ और ना? It means सोचूंगी। मैं नहीं जानता कि एसीपी विक्रम के उन बच्चा को किसने डराने की जरूरत की, पर मैं कल तुम्हारे साथ उस एस्टेट एजेंट के जरूर चलूंगा। देखते हैं वो बंदा कौन है। एक मौका और देना दोस्त। आई सी, नो विक्रम, आई लुक इनटू इट, या डोंट वरी, या संभल के रहना। क्या बात है सर? कल से कोई विक्रम का पीछा कर रहा है। साले प्रेस वाले होंगे? नहीं नहीं नहीं, प्रेस वाला होता तो सामने से आ जाता, ये तो विक्रम को देख के भाग जाता है। सर कहीं यही तो हमारा किलर नहीं है? दुबे, तेरे को मकान खाली करवाने को बोला था, तूने वहां पुलिस वाला लाकर रख दिया। नहीं देखिए, ज्यादा सियाणा बनता है क्या? नहीं देख, देख अपन ने उस काम का सुपारी ले ला बिल्डर से क्या? अगर एक महीने के अंदर तूने मकान खाली नहीं करवाया तो मिली। हाँ जानती हूँ। अरे बाबा जल्दी करो, मेरी आंख में साबुन जा रहा है। जरा रुको तो, मैं फ्यूज चेक कर रही हूं। लेकिन राजकुमार जंगल में क्या हो गया? राजकुमार जंगल में क्या था? शिकार करने। लेकिन शिकार का पीछा करते करते वो अपने सिपाहियों से बिछड़ गया और जल्द ही घने जंगल में खो गया। फिर अचानक उसे एक लड़के की रोने की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ मामी? आगे पढ़ो ना। राजकुमार उस आवाज की ओर बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर उसे एक मीनार दिखाई दिया। मीनार की एक ऊंची खिड़की में खड़ी एक सुंदर लड़की रो रही थी। उसकी आंखें आकाश की तरह नीली थी और उसके होंठ गुलाब की पंखड़ियों की तरह लाल।
राजकुमार ने पूछा, हे सुंदरी, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? लड़की ने कहा, एक दुष्ट राक्षस ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है, क्या तुम मुझे छुड़ा सकते हो? मीनार में कोई दरवाजा नहीं था। लड़की बोली, तुम मेरे बालों के सहारे ऊपर आ जाओ। लड़की ने अपने सुनहरे लंबे बाल खिड़की से बाहर छोड़े, तो वे सीधे जमीन तक पहुंचे। राजकुमार उनके सहारे मीनार में दाखिल हुआ। क्या हुआ मामी? इतने में मीनार में दुष्ट राक्षस आ पहुंचा और राजकुमार को देख गुस्से से आग बबूला हो गया। राजकुमार के पास एक जादुई तलवार थी, जिसे लेकर वो राक्षस पर टूट पड़ा और एक ही घाव में राक्षस का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही राक्षस मर गया, उसका बनाया माया महल गायब हुआ और राजकुमार और सुंदरी ने अपने आप को जमीन पर पाया। इस तरह दुष्ट राक्षस का अंत हुआ और राजकुमार और सुंदरी की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। कितनी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हो तुम, एक और सुनाओ ना। अब बस करो। मम्मी मम्मी, तुम जानती हो हमारे यहाँ भी ये दुष्ट राक्षस है, दुष्ट राक्षस। वो ना हमारा स्टेट एजेंट है, उसने ना हमसे कह दिया है कि हमें मकान खाली करना होगा। मम्मी मम्मी, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जितना भी कम वक्त है उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा कहानियां पूरी करनी होंगी ना मम्मी। क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मुझे घर जाने दो, मैं हमें नहीं रहूंगी। देखो मम्मी, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। तुम मेरी मम्मी नहीं हो, तुम मेरी मम्मी नहीं हो। हाँ, तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, तुम मेरी मम्मी नहीं हो, तुम नहीं हो। Bad mommy. Bad mommy. ओ फोन मेरी जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ, या फिर मैं ऑटो पकड़ के जाऊँ। कल से क्या हो गया तुम्हें, जब देखो चिट चिट चिट। तुम अगर हर काम इसी तरह कछुए की चाल से करती रहोगी तो आदमी चिढ़ेगा नहीं तो और क्या करेगा। अब चलो। सॉरी, ओह मैं मोबाइल भूल गई, बस बस एक मिनट में आई। हां दिस इज द लिमिट। अरे बाबा बाजार जाना ना, आधे घंटे में लौट आओगी, अब चलो। तुम जानते हो मैं मोबाइल लिए बगैर कहीं नहीं जाती। देखो मिनी, प्लीज जरा गाड़ी घुमा लेना, मैं यूं गई और यूं आई, प्लीज। डेरिक, हाय मिनी जी। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बीवी बच्चे भी है? आपसे किसने कहा, मेरी तो शादी नहीं हुई अब तक। और कल रात मुझे तुम्हारे घर से एक औरत और बच्चे की आवाज सुनाई दी। आपने ट्रांजिस्टर सुना होगा, ट्रांजिस्टर? हाँ, वो मैं रोज रात को रेडियो प्रोग्राम सुनता हूँ ना। मैं भी पता नहीं क्या सोचने लगती हूँ। नो प्रॉब्लम, चलो आ रही हूँ, बाय फ्यू। Thank you.
हेलो, हाँ बोलो, तुम्हारा दिमाग ठंडा हुआ कि नहीं? मैं आज तुम्हें एक ऐसा सरप्राइज देने वाली हूँ ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। क्या, किसकी पौड़ी मिली? ओह नो। एनीवे, जब सब कुछ खत्म हो जाए तो सीधे घर आ जाना। हाँ, वैसे भी मुझे अकेली को इस सुनसान सी जगह में डर लगता है, कहीं तुम्हारा सीरियल किलर ना आ जाए, यू नो। आउच, सॉरी बच्चा, जस्ट जोकिंग। मैं आज तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ, सो कम होम सून। बाय, लव यू टू। संभाल कर रख देता हूँ बैग में, फिर हम बैग बंद करेंगे और फिर आराम से हम यहाँ से निकल। देखो कपड़े ना अच्छे, कपड़े अच्छे होते हैं ना तो उनको अच्छी तरह से बैग में रखना चाहिए। बैग बंद करके फिर देखो तरीका पहनने का नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ये कपड़े संभाल कर रख देता हूँ बैग में, बैग बंद करेंगे और फिर आराम से हम यहाँ से निकल। देखो अब मुझे कपड़ खो साफ कर रहा था मम्मी।
विक्रम, विक्रम, विक्रम बचाओ! क्या हुआ मम्मी? क्यों चिल्ला रही हो तुम? डेरी, डेरी क्या क्या पागल पर है? क्या चाहते हो तुम? तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें ला दूंगा, बस तुम अपने बेटे से प्यार करो, अपने बेटे पर गर्व करो। हाँ विक्रम, विक्रम! तुम्हारा बॉयफ्रेंड आके चला भी गया मम्मी, अब हमें कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। तुम क्या करोगी मेरे साथ? तुम अपने बेटे का ख्याल रखोगी, अपने बेटे को अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ के सुनाओगी, लोरी गा के सुनाओगी। एक अच्छी मम्मी बनोगी ना तुम? हाँ हाँ। तो कल रात मैंने आवाज़ें सुनी। वो एक बैड मॉम थी, अपने बेटे को छोड़ के जाना चाहती थी वो। मैंने उसे सही ठिकाने पहुंचा दिया। लेकिन तुम तो एक अच्छी मम्मी बनोगी ना? हाँ, अपने बेटे का ख्याल रखोगी ना तुम? हाँ, उसे अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ के सुनाओगी ना मम्मी? कौन सी कहानी से शुरू करें मम्मी? हाँ हाँ हाँ। मोबाइल भी नहीं उठा रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है दीदी। एक बात बताइए, आपके पास उसके फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी है? जंगल घना था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। राजकुमारी रास्ता खो चुकी थी। अचानक कुछ 20 गज पीछे से शेर के कुर्राने की आवाज आई। उसे राजकुमारी की मौजूदगी का पता चल चुका था। राजकुमारी के नर्म मांस की खुशबू ने उसे पागल बना दिया था। गुर्राने की आवाज और पास आई। राजकुमारी जान गई थी कि उसका अंत नजदीक आ चुका है। मिनी, मिनी, मिनी ने बोला था वो सरप्राइज देगी, लेकिन ये तो शौक है, इतनी सफाई। ये तो मेरे मिनी का घर बिल्कुल नहीं लग रहा है, आज यहाँ एक अच्छी खुशबू भी आ रही है। नो वंडर वो मोबाइल नहीं उठा रही थी। लेकिन मिनी तो कभी मोबाइल लिए बगैर घर के बाहर जाती नहीं है। हाँ, अब इसी बात को लेकर हमारा कितनी बार झगड़ा हो चुका है। कहाँ होगी वो? आई डोंट लाइक दिस। मिनी कहाँ हो तुम? हाँ,
विक्रम, विक्रम सेमी, सेमी। मम्मी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ ज्यादा ही नोजी होने लगा है। वो हमारे लिए कभी भी खतरा पैदा कर सकता है, इसीलिए ये हमारा आखिरी दिन है। मुझे लगा नहीं था कि तुमसे इतनी जल्दी बिछड़ना पड़ेगा। नहीं राणे, आज शाम ही को मेरी उससे बात हुई है, वो जरूर आज शाम को 4 से 5 के बीच में गायब हुई है। हाँ, तुम एक काम करो, तुम इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दो। हाँ हाँ, आपके घर की खिड़की के वेनिशन ब्लाइंड एक साइड से टूटे पड़े हैं, इतना इतना खराब लगता है। दीदी, ये मिनी के पड़ोसी ने आपको कौन सी गाड़ी में लिफ्ट दी थी? एक बड़ी सी वैन थी। मुझे बहुत ताजुब हुआ था कि इतने छोटे आदमी के पास इतनी बड़ी गाड़ी कैसे। राणे, किलर मिल गया है, तुम जल्दी बैकअप भेजो, जल्दी भेजो। नहीं, एक मिनट दीदी, आप उसको यहाँ का पता एक्सप्लेन करिए जल्दी फटाफट। हेलो रानी साहब, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते, प्लीज मुझे मत मारो। अपनी मम्मी को नहीं मार सकते ना? हाँ? अब मुझे मम्मी की कोई जरूरत नहीं, अब मैं बड़ा जो हो गया हूं। नहीं, नहीं। देखो, फिर भी एक कहानी और सुना ही। एक कहानी मैंने खास इसी दिन के लिए बचा के रखी है। कहानी का नाम है विक्रम। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें छोड़ भी देता, लेकिन तुम गंदगी फैलाने वालों में से हो। अपने घर को, अपने शहर को कूड़ा दान समझती हो। तुम जैसे लोगों को जीने का कोई मम्मी मुझे मार डाले। मुझे बचाओ ना प्लीज मामी, उसे बोलो ना मुझे नहीं मार। Get away from her. मामी प्लीज मुझे बचाओ, मामी मुझे बचाओ, मामी Get away from her. मामी बचाओ ना प्लीज, मामी मामी मुझे बचाओ।